नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं अरविंद सिंह। पद्मावती फिल्म की रिलीज को लेकर विवाद कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब पद्मावती फिल्म के विरोध में शिवसेना हिंदुस्तान भी उतर चुकी है। जिला गुरदासपुर के कस्बा धारीवाल में फिल्म पद्मावती की रिलीज को लेकर शिवसेना हिंदुस्तान ने पंजाब यूथ अध्यक्ष की अध्यक्षता में फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली का पुतला फूंका और चेतावनी दी गई कि अगर पंजाब में किसी भी सिनेमा में फिल्म रिलीज की गई तो उस सिनेमा की तोड़फोड़ का और नुकसान की सरकार और सिनेमा मालिक जिम्मेदार होंगे। पद्मावती फिल्म का विरोध कम होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसको लेकर फिल्म के विरोध में अब शिवसेना हिंदुस्तान भी उतरती दिखाई दे रही है। जिला गुरदासपुर के कस्बा धारीवाल में शिवसेना हिंदुस्तान के यूथ पंजाब अध्यक्ष हनी महाजन की अगुवाई में फिल्म पद्मावती के निर्माता का पुतला फूंका गया। वहीं यूथ अध्यक्ष हनी महाजन ने कहा, पद्मावती फिल्म में जो अश्लील सीन बनाए गए हैं उनके कारण रानी पद्मावती के पवित्र चरित्र को तोड़ मड़ोड़ कर किया गया है, जिसके कारण सभी के अंदर रोष पाया जा रहा है। वहीं यूथ अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पंजाब में किसी भी सिनेमा में फिल्म रिलीज की गई तो उस सिनेमा की तोड़फोड़ का और नुकसान की सरकार और सिनेमा मालिक जिम्मेदार होंगे। सना हिंदुस्तान वालों आज नहर के पुल से ट्रैफिक जाम करके जिहड़ी पद्मावती श्री पद्मावती इन्होंने फिल्म बनाई आज जे अश्लील जे सीन इन्होंने किए आ लीला बंसाली जी ने ऐसी यदा पुतला फूकिया वा। असी पूरे देश के रोस है कि एक राजस्थान की चटौट जिहड़ी पद्मावती श्री पद्मावती जी है वो सीन इन्होंने उल्ट करके इतिहास में छेड़छाड़ की अपने मनोरंजन के लिए। असी ये मांग करते हैं जे पूरे पंजाब दे विच जे किसी भी सिनेमा हाल दे विच पद्मावती फिल्म लगी तो वह सिनेमा हाल या मॉल वाला अपना आप जिम्मेवार होगा, वह सिनेमा हाल में अग ला दी जाऊगी, अपने आप का अपने सिनेमा हाल अपनी प्रॉपर्टी का अपने जानी माल का आप नुकसान होगा, जिसकी जिम्मेवारी सेंटर पंजाब सरकार की होगी।